तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे रैपिड चेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल अपडेट्स मिलते रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू रैपिड चेक चैनल, जहां पे आपको मिलेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल अपडेट्स। तो आज हम खड़े हैं महिंद्रा की नई मिड साइज एसयूवी के सामने, जिसका नाम है महिंद्रा एक्सयूवी 300। तो चलिए दोस्तों, इसका फुल रिव्यू और फीचर स्पेसिफिकेशन देखते हैं, क्या क्या हमें महिंद्रा एक्सयूवी 300 प्रोवाइड करती है। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, फीचर से लेकर इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में। इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हैं विटारा ब्रेज़ा, फोर्ड इकोस्पोर्ट, टाटा की नेक्सॉन जो कि 5-star एनकैप रेटिंग सिक्योरिटी है जिसके अंदर, साथ में इस सेगमेंट की लीडर जो है हुंडई क्रेटा। मैं आपको इस दोस्तों इस वीडियो में वो सारी बातें बताऊंगा, इसमें क्या क्या फर्स्ट इन क्लास सेगमेंट फीचर्स हैं जो कि बाकी इसके कॉम्पिटिटर्स में नहीं है। साथ में मैं आपको एक ओवरऑल रिव्यू भी दूंगा, क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी की तरफ देख लेते हैं। दोस्तों ये है महिंद्रा एक्सयूवी 300 की। 3 फंक्शंस अवेलेबल हैं, लॉक अनलॉक, और यहाँ से आप कार का अलार्म ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखिए तो ये इसका कार का अलार्म ऑन हो जाएगा। इससे ये है कि अगर पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी है, आपको पता करना है कहाँ पे खड़ी है, तो ये फीचर बहुत अच्छा है। ये आप देख सकते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल, डायमेंशंस आपको आपकी स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो महिंद्रा की एक्सयूवी 300 है, ये सैयोंग ट्रिवोली के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। आप देख सकते हैं गाड़ी को अच्छे से, फ्रंट और साइड प्रोफाइल को वॉक थ्रू दे रहा हूँ मैं आपको गाड़ी का। चलिए गाड़ी के फ्रंट में देख लेते हैं। तो ये हैं गाड़ी के प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद LED DRLs। ये साइड में आप इसकी DRLs देख सकते हैं, साथ में LED फॉग लैम्प्स। ये आपको काफ़ी अच्छे क्रोम फिनिश मिल जाएगा, यहाँ पे आपको महिंद्रा की बैज मिल जाएगा, नीचे भी आपको क्रोम का अच्छा गार्निश मिल जाएगा। इसका जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको गाड़ी की साइड प्रोफाइल एक बार दिखा देता हूँ। ये है इसके R17 डायमंड कट अलॉय व्हील्स। लोअर मॉडल्स में आपको स्टील व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। 4 वेरिएंट में एक्सयूवी 300 इंडिया में लॉन्च है, वो हैं W4, W6, W8 और W8 ऑप्शनल। आप ये जो मॉडल देख रहे हैं W8 ऑप्शनल पैक है। और दोस्तों इसके अंदर मैं आपको एक काफ़ी अच्छी चीज़ बता देता हूँ, इस प्राइस रेंज के अंदर ये फर्स्ट सेगमेंट गाड़ी है जिसके अंदर रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे। इस सेगमेंट के अंदर और किसी गाड़ी में आपको रियर में डिस्क ब्रेक्स अवेलेबल नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम इस गाड़ी को प्रोवाइड करता है। और दोस्तों मैं आपको इसके फ्रंट हेडलैम्प्स का कुछ सिस्टम बता देता हूँ। इसके अंदर इंटेलिजेंट लाइट सेंसिंग हेडलैम्प्स हैं, साथ में फॉलो मी होम का भी फीचर इसके हेडलैम्प्स में है। रेन सेंसिंग वाइपर्स दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी 2 इंजन वेरिएंट में इंडिया में अवेलेबल है, पेट्रोल और डीजल, और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ये गाड़ी अवेलेबल है। जो इसका पेट्रोल वेरिएंट है वो है 1.2 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल वेरिएंट, 110 bhp पावर प्रोड्यूस करता है और 200 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। जो इसका डीजल वेरिएंट है वो है 1.5 लीटर टर्बो चार्ज डीजल इंजन, वो प्रोड्यूस करता है 115 bhp और 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। गाड़ी के पावर की बात की जाए तो गाड़ी की पावर काफ़ी अच्छी है, इको स्पोर्ट, विटारा ब्रेज़ा और टाटा नेक्सॉन से काफ़ी अच्छे इसके पावर है। आप ये फ्यूल टैंक देख रहे हैं, इसका 42 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। साथ में इसका टर्निंग रेडियस एसयूवी के हिसाब से काफ़ी कम है, जो कि 5.3। आप से टर्निंग रेडियस देखें तो काफ़ी ज़्यादा कम है इसका। और दोस्तों डायमेंशंस की बात की जाए तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छे लुक में आती है, पर क्रेटा के सामने थोड़ी मिड साइज़ एसयूवी लगती है। क्रेटा भी इसी सेगमेंट की है पर उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट कम है उससे। प्राइस मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए इस गाड़ी के बैक प्रोफाइल को एक बार देख लेते हैं। तो ये है एक्सयूवी 300 की बैक प्रोफाइल। यहाँ पे रियर वाइपर मिल जाएगा आपको, LED टेल लैम्प्स। यहाँ पे एक्सयूवी 300 की बैज देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे महिंद्रा की बैज देखने को मिल जाएगा, साथ में रियर पार्किंग कैमरा,
यहाँ पे W8 का बैच देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये है बैक प्रोफाइल महिंद्रा XUV 300 की। और दोस्तों इसका मैं एक फीचर बता दूँ, ये गाड़ी फर्स्ट इन क्लास फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी इस गाड़ी के अंदर है, और इस सेगमेंट के अंदर किसी गाड़ी के अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं है। तो ये एक ओवरऑल फीचर पैक्ड गाड़ी है। और दोस्तों एक इसका फर्स्ट इन क्लास फीचर और मैं बता दूँ, जैसे जो OAVMs हैं उसके अंदर आपने देखा होगा जो विंटर्स के टाइम में इसके अंदर विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो इसके अंदर हीटेड OAVMs हैं, तो उसमें कभी भी विंटर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जब एक गाड़ी को ड्राइव करेंगे। साथ में यहाँ भी आपको रूफ रेल्स देखने को मिल जाएंगी, ड्यूअल टोन रूफ रेल्स हैं ये। चलिए गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं और देखते हैं क्या क्या फीचर्स हमको महिंद्रा की XUV 300 में हमको मिलते हैं। हमने गाड़ी के अनलॉक, तो ये आप बैक पैसेंजर डोर देख सकते हैं, ड्यूअल टोन इंटीरियर्स हैं, यहाँ पे क्रोम फिनिश के हैंडल्स देखने को मिल सकते हैं आप, यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी देख सकते हैं, यहाँ पावर विंडो कंट्रोल्स, बॉटल होल्डर। तो ये है इसका इंटीरियर, फुल लेदर इंटीरियर है, टॉप एंड वेरिएंट है, इसमें आपको फुल लेदर इंटीरियर्स मिलेंगे। इस गाड़ी के लेगरूम की बात की जाए तो लेगरूम थोड़ा सा टाइट है इस गाड़ी का, हाइट गाड़ी की अच्छी है, इस साइड से भी आप गाड़ी को देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाएगा आपको। दोस्तों यहाँ भी आपको सनरूफ देखने को मिल जाएगी, आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा जो मैं फोर्ड इकोस्पोर्ट की वीडियो डालती, उसमें मैंने बोला था कि उसकी सनरूफ काफ़ी ज़्यादा छोटी है, इसकी सनरूफ उससे बड़ी है, तो ये एक अच्छा फीचर भी कहने को मिल जाएगा। आप गाड़ी में एयरबैग्स देख सकते हैं, SRS एयरबैग्स, सेफ्टी के बारे में आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो ये है महिंद्रा XUV 300 का फ्रंट डैशबोर्ड। तो चलिए दोस्तों आगे चल के देखते हैं और जानते हैं क्या क्या फीचर्स हमें महिंद्रा XUV 300 में प्रोवाइडेड हैं। यहाँ भी आप कोट हैंगर देख सकते हैं। दोस्तों एक बार मैं आपको इसका बूट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आप इसका बूट देख सकते हैं, 60-40 स्प्लिट सीट्स देखने को मिल जाएगी इसके अंदर आपको, यहाँ से आप इसको लिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेयर व्हील मिल जाएगा। यहाँ भी आपको कीलेस एंट्री मिल जाएगी। तो ये है ड्राइवर साइड डोर, इसमें आप पावर विंडो कंट्रोल देख सकते हैं, एक्सटीरियर मिरर के कंट्रोल देख सकते हैं। तो ये है महिंद्रा की XUV 300 का इंटीरियर, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन है, इसको चलिए ऑन कर लेते हैं। दोस्तों हमने इसका इंटीरियर कर लिया ऑन, तो ये आप रेड लाइट्स में इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हैं, एक साइड आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा और एक साइड RPM मीटर। ये इसका 8.9 सेंटीमीटर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, इसके अंदर आप गाड़ी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कितने अच्छे से प्लेस किया गया है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है इसका। ये इसका 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाएंगे सारे देखने को, साथ में ब्लूटूथ टेलीफोनी कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इस साइड आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ पे वॉइस रिकॉग्निशन का फीचर भी मिल जाएगा, इस साइड आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, इस साइड पार्किंग के लिए है ये, और साथ में स्टार्ट स्टॉप है। ये हेडलाइट हाइट एडजस्टर है, यहाँ से आप AC वेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको हवा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं 18 सेंटीमीटर टच की इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मिरर लिंक, ब्लूटूथ, सब आपको कनेक्टिविटी इसके अंदर मिल जाएगी। साथ में इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम भी आपको अवेलेबल है, टच की इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये, इकोसेंस टेक्नोलॉजी भी है इसके अंदर, आप इसके बारे में गाड़ी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, महिंद्रा मराजो में मैंने आपको बताया था। साथ में फ़ोन नेविगेशन, कार इन्फो, कार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। यहाँ पर डीएल्स ऑन है कि नहीं है ये भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपको नेविगेशन सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा, इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम भी है,
यहाँ पे आप इससे डिस्प्ले ऑफ़ कर सकते हैं, और यहाँ पे गाड़ी के बारे में जैसे इको सेंस सिस्टम और जो भी गाड़ी के सेटिंग्स हैं उसको आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। साउंड के बारे में भी, अगर आप जिस एरिया में आपको साउंड चाहिए वहाँ भी आप इसको ले सकते हैं, साथ में इक्वलाइजर भी है, टोन भी है, आपको कैसा वोकल चाहिए, कैसा बेस चाहिए। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ एयरबैग्स के लिए है, साथ में ये डिफॉगर है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। आप यहाँ पे ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए, दोनों के लिए आप सेपरेट एसी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने 23 है, यहाँ पे 23 है, आप यहाँ पे टेम्परेचर को लो या हाई कर सकते हैं आपकी नीड के हिसाब से। ड्राइवर अपनी नीड के हिसाब से कर सकता है और को ड्राइवर अपनी नीड के हिसाब से कर सकता है। यहाँ पे आपको ऑक्स और यूएसबी के पोर्ट्स मिल जाएंगे, यहाँ भी आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ये है इसका 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स। चलिए मैं आपको एक बार रिवर्स पार्किंग कैमरा लगा के दिखा देता हूँ। तो ये इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा, पार्किंग मोड इफ यू नीड असिस्टेंस, ये असिस्टेंस सिस्टम है। आप जिस सेंस में इसको लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दो बटन्स मिल जाएंगे देखने को, अगर आप इस साइड से पार्क करना चाहते हैं। Align the arc line with the parking slot line. Then turn the steering wheel to the maximum and reverse. तो ऐसे आपको रिवर्स असिस्टेंस मिल जाएगा जो कि पार्किंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पे अभी आप स्पेस देख सकते हैं, यहाँ भी आप स्टोरेज स्पेस देख सकते हैं, और ये इसका ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर। यहाँ आप लाइट के कंट्रोल्स देख सकते हैं ड्राइवर को ड्राइवर के लिए। यहाँ पे सनग्लास होल्डर देख सकते हैं आप। तो ये है इसकी सनरूफ, 4D EcoSport से बड़ी सनरूफ है इसकी। चलिए इसकी सनरूफ को बंद कर देते हैं हम। ये ब्लूटूथ टेलीफोनी के लिए माइक दिया गया है यहाँ पे। तो दोस्तों आपने इस गाड़ी का इंटीरियर अच्छे से देख लिया है, तो चलिए इस गाड़ी के बाहर चल के देखते हैं, उसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं और उसके प्राइजेस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर इसके सेफ्टी फीचर्स का मैं बात करूँ, तो इसमें फर्स्ट इन सेगमेंट 7 एयरबैग्स, ABS, ABD, ESP, हिल होल्ड, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, हीटेड ORVMs, साथ में आइसोफिक्स और इमोबिलाइजर, ये सब आपको मिल जाएगा। अगर दोस्तों इसके प्राइस रेंज की मैं बात करूँ, जो उसका पेट्रोल वेरिएंट है लोएस्ट एंड, उसका प्राइस है 7,90,000, और जो टॉप एंड डीजल वेरिएंट है उसका प्राइस है 12 लैक्स। तो अगर इसके कॉम्पिटिटर से प्राइस की मैं बात करूँ, तो प्राइस में भी काफ़ी ज़्यादा कम है और फीचर्स में काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं इस सेगमेंट के अंदर और आपको एक फीचर पैक्ड SUV चाहिए कम प्राइस के अंदर, तो ये गाड़ी को आप एक बार ज़रूर देखिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ में चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें।